हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरी इस वीडियो में। आज हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। सो इन दोनों क्वेश्चंस की वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, बट कुछ क्लैरिटी प्रॉब्लम होने के कारण मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, सो इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस की वीडियो द्वारा बना रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए डी को प्रोड्यूस किया है, ई एक पॉइंट है वहां पे उस प्रोड्यूस्ड साइड में। एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, और जो बी ई है वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पॉइंट में। सो शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, दिस ट्राइंगल ए बी ई जो है वो इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी के सिमिलर है। सो हम देखें ट्राइंगल ए बी ई इज एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इस ट्राइंगल ए बी ई में और सी एफ बी में। सो जो हमारा ए ई है वो ए इज पैरेलल टू बी सी, ए ई है जो वो बी सी के पैरेलल है। तो हम लिखेंगे बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है और पैरेललोग्राम आर पैरेलल। जो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। सो देयरफॉर जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है। सो अगर ए डी अगर बी सी के पैरेलल है तो ए ई है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ए इज पैरेलल टू बी सी। ओके, सो अब ये जो ए ई लाइन है बी सी के पैरेलल हमने प्रूव कर दिया है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल ए ई बी हम लिखेंगे, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल बी एंगल ई बी सी या एफ बी सी, एंगल एफ बी सी ये इसके इक्वल हो गया। हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। किसी भी एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल हो जाते हैं। ओके, एंड सिमिलरली जो हमारा एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ जो एंगल बी ए डी है वो बी सी एफ के इक्वल हो गया है, बिकॉज हम लिखेंगे इसमें ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एक ट्रायंगल ए बी ई में और ट्रायंगल बी सी एफ में ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया है, और दिस एंगल ए बी ए डी इज इक्वल टू बी सी एफ, इसके दोनों के इक्वल हो गए हैं। सो दो एंगल्स हमारे, दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, जो थर्ड एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सो हम लिखेंगे बाय ए ए रूल, डबल ए रूल, जो ट्रायंगल हमारा वो ए बी ई है ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, इसके हमारे इक्वल हो गया है। एंड अब हम क्वेश्चन 9th है उसको सॉल्व करेंगे, ये हमने प्रूव कर दिया है। सो अगर क्वेश्चन नंबर 9th में देखें, सो क्वेश्चन नंबर 9th में लिखा है इन फिगर 6.39, ये हमारी फिगर है 6.39, ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल्स, राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल एट बी एंड एम। सो ए एम पी जो राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल है वो राइट एंगल उसका ये है राइट एंगल एट एम, एंड जो ए बी सी राइट ट्राइंगल है वो उसका राइट एंगल है जो दिस वन बी, ये में दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। सो हम लिखेंगे इन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ए बी सी में और ए एम पी में हम देखें तो एंगल जो बी है ए बी सी, ये एंगल इसमें लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, ए एम
पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल हो गए हैं। ओके, ये एंगल इसके एंगल इक्वल है, 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल ही बना हुआ है। ओके, नाउ ट्राइंगल ए बी सी में ए एंगल, एंगल बी ए सी और ए एम पी ट्राइंगल में एंगल जो है वो बी ए एम, ये कॉमन एंगल आ गया हमारा। ए बी सी में ये एंगल आ गया है और ए एम पी में ये एंगल, सेम कॉमन एंगल। ए बी सी में हम लिखेंगे बी ए सी एंगल हो गया और ए एम पी में लिखेंगे हम बी ए एम, एंगल बी ए एम, ये आ गया हमारे कॉमन एंगल हो गया है। ओके, सो दो एंगल हमारे, दो ट्राइंगल्स में दो एंगल हमारे कॉमन हो गए हैं। सो बाय ए रूल थर्ड एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सो बाय ए रूल जो ट्राइंगल ए बी सी है इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट रेशियो ऑफ सी ए टू पी ए इज इक्वल टू बी सी टू एम पी, रेशियो ऑफ सी ए, सी ए टू पी ए टू बी सी टू एम पी। सो हम देखेंगे रेशियो ऑफ सी ए, जो सी ए है वो हमारा ए बी सी ट्राइंगल का हो गया और पी ए जो है हमारा वो ए एम पी ट्राइंगल का हो गया है। ठीक है, एंड बी सी टू एम पी, बी सी जो है हमारा वो ए बी सी ट्राइंगल का हो गया और जो एम पी है हमारा वो, एम पी जो है हमारा वो ए एम पी ट्राइंगल का होगा। ये दोनों जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स की। सो इनकी रेशियो इक्वल हो गई है। सो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ सी ए टू पी ए इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बी सी टू पी टी, ये हम प्रूव्ड। ये प्रूव कैसे हो गई है, हम लिखेंगे यहां पे, लिखना पड़ेगा हमको बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो, या फिर हम लिख देंगे आर इन प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, और आर इन द सेम रेशियो में होती, उनकी रेशियो जो है वो सेम होती है। तो ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इनकी रेशियो इक्वल हो जाएगी। सो हैंस प्रूव्ड। ओके, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्वड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।